हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, मेरे लिंक पे जाइए, इस तरह लाइक करिए, इस तरह सब्सक्राइब बटन जो है उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और मुझे सपोर्ट करें। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम दाल तड़का लगाने वाले हैं, दाल फ्राई करने वाले हैं होटल स्टाइल। बहुत आसान तरीके से हम घर पे बना सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। हमने लिया है एक पैन, लो टू मीडियम में हम पकाने वाले हैं इसको, और हमने लहसुन अदरक प्याज ये सारी चीज़ें पहले से मैंने बारीक कट कर ली है। इसमें डाला है मैंने घी, 1 से 2 चम्मच घी डाला है मैंने। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे, और जैसे ही हमारा घी गर्म होता है तो इसमें हम डालते हैं ज़ीरा 1 टीस्पून। देख सकते हैं इसमें डाला है मैंने हींग, थोड़ी सी हींग डाली है मैंने। इनको थोड़ा सा चटकने देंगे। इसके बाद मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, 2 से 3 हरी मिर्च, लहसुन बारीक कटा हुआ, अदरक बारीक कटा हुआ। इन सबको डाल के मैं चलाऊंगी, धीमी आंच में पकाना है। ये देखिए, इस तरह से चलाते रहना है, 1 से 2 मिनट तक देख लेना है इसको। इसका कलर चेंज हुआ, ये देखिए काफ़ी कलर चेंज हो चुका है। तो इसमें हम अब डालने वाले हैं प्याज। प्याज को मैंने पहले से ही बारीक कट कर रखा है। लो टू मीडियम में ही पकाना है। देखिए काफ़ी अच्छा सा कलर आ गया है इसमें। तो हम इसमें अब ऐड कर रहे हैं प्याज, एक प्याज है इसमें, प्याज को मैंने कट कर रखा है। अब इसको हम 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे। देखिए प्याज का भी कलर चेंज हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 से 2 चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, टमाटर 1 से 2 मैंने बारीक कट कर रखा है। अब इन सबको अच्छी तरह से हम चला लेंगे। दाल को मैंने पहले से पका रखा था, उड़द की दाल है ये, आधी कटोरी दाल और 1.5 से 2 कटोरी पानी लिया था मैंने, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून नमक। इन सबको मिला के उसमें 3 से 4 सीटी लगाई है मैंने। तो दाल हमारी ऑलरेडी पक चुकी है। इसमें मिलाया मैंने कसूरी मेथी, देख सकते हैं हमारे टमाटर गल चुके हैं। आपको अगर बड़े टुकड़े रखने हैं टमाटर के तो इससे पहले भी आप छोड़ सकते हैं। तो हम अब इसमें मिला रहे हैं दाल, कोई भी दाल हो, उड़द हो या फिर तुअर दाल हो, कोई भी दाल आप बना सकते हैं। इसमें दाल का पानी मैं मिला रही हूँ, ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से मिला लेना है। बहुत टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ हम दाल में तड़का लगाने वाले हैं। गाइज, मेरे चैनल में अगर आप सब नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अगर आप सबको पसंद आ रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, हमारी दाल तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो तड़का के लिए मैंने दूसरी पैन लिया है, इसमें भी डालूंगी मैं घी, 1 से 2 चम्मच घी डालूंगी। पैन को थोड़ा गर्म होने देंगे, घी को पिघलने देंगे हम।
जब तक हमारा घी पिघल रहा है तो हम इधर डाला है हमने जीरा 1 टीस्पून, हरी मिर्च 1 से 2 लिया है मैंने, थोड़ी लाल हो रखी है, इसमें करी पत्ता भी मैं ऐड कर रही हूँ। करी पत्ता से बहुत अच्छा स्वाद टेस्ट आ जाता है, सब्जी हो या दाल हो किसी में भी। और लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ मैं 1 से 2। इन सबको हम अच्छे से चला लेंगे। देखिए इस तरह से धीमी आंच में ही पकाना है ताकि ये जले ना, और जैसे ही इसका कलर चेंज होता है तो हम दाल में तड़का लगा देंगे। ये देखिए कलर काफ़ी चेंज हो गया है, तो हम इसमें अभी डालेंगे थोड़ी सी हींग फिर से, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं। बस हमारा तड़का तैयार हो चुका है, अब हम दाल में डालने वाले हैं। ये देखिए होटल स्टाइल, बिल्कुल होटल स्टाइल दाल तड़का हमारा तैयार हो चुका है, दाल फ्राई। तो गाइज आप लोग भी बनाइए, बहुत टेस्टी आने वाली है ये दाल, और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है हींग की और घी की, बहुत टेस्टी बनी है दाल। आप लोग भी बनाइए, खाइए होटल स्टाइल दाल। और हाँ, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड में, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, भूले मत। और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन।